की ज्योति को सामने प्राहुत हो जाते हैं। इतने राधा रानी सुंदरी, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए उनको क्या बोले, देवी। देवी मतलब दत्त माना परम सुंदरी। नहीं तो कृष्णा जिसको तिसको ऊपर में थोड़ी कृष्णा आकर्षित होंगे। अगर राधा रानी इतने सुंदर नहीं होता तो, इसलिए कृष्णा सोच रहे विश्व ब्रह्मांड तो मेरे रूप को देखकर पागल हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी का रूप देखता मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ। राधा रानी की रूप देखकर मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ, इसलिए मेरी बंसी गिर जाती है, मेरे मर मुकुट गिर जाती है, कभी मेरे कपड़ा भी गिर जाता मेरे पता नहीं चलता। इतने राधा रानी सुंदरी है, इसलिए कहते देवी, कहते कृष्णमयी। कृष्णमयी मतलब क्या है, कहते कृष्ण जिसकी बाहर भी है और कृष्ण जिसकी भीतर है। इसलिए कृष्ण राधा जी का एक नाम है श्यामा। क्या नाम है? श्यामा। श्यामा मतलब क्या, जो कृष्ण चिंता करते करते, आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, गए हो जगन्नाथपुरी? सब जगह में देखोगे राधा रानी गोरी है, लेकिन जगन्नाथपुरी में जाकर तोटा गोपीनाथ में देखोगे राधा रानी गोरी नहीं, राधा रानी काली। राधा रानी काली, बोले क्यों, बोले कृष्ण चिंता करते 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 राधा रानी एकदम काली, इसलिए इनका नाम श्यामा। इसलिए कहते श्याम करे श्याम रस मधुपान, इसलिए श्रृंगार रस को श्याम रस भी कहते हैं, श्रृंगार रस को। इसलिए कहते कृष्ण जहाँ बाहर भीतरे, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्पुरे। मतलब है राधा रानी का नजर जिधर जाती है ना, वो कृष्ण के सिवाय उनको आंखों के सामने कुछ पड़ती नहीं, चारी तरफ में कृष्ण 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 को देखती है। इसलिए देवी कृष्ण मई प्रभुता राधिका, कहते उनका तीसरा नाम क्या है, बोले राधा रानी पर राधिका। बोले राधिका नाम क्यों पड़ा है, बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधिका। विश्व ब्रह्मांड तो किसको, कृष्ण को आराधना करते हैं, लेकिन कृष्ण किसको आराधना करती है, राधा रानी को आराधना करती है। इसलिए कृष्ण, इसलिए राधिका। बा कृष्ण न आराध्यते इति राधिका, बा कृष्णम समाराधयति इति राधिका। कृष्ण राधा रानी की आराधना करती है और राधा रानी कृष्ण को भी आराधना करती है, है? इसलिए उनका नाम राधिका। और कहते परा देवता, कहते परा देवता मतलब बोले जितने लक्ष्मी हैं वो कहाँ से सारे लक्ष्मी प्रकट होती हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहती हैं, कहते हैं ओम रम सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब आमनायवान। कहते हैं, कहते जितने उमा रमा सत्या सची लक्ष्मी है, कहते तीन विशेष करके लक्ष्मी तो अनंत लक्ष्मी है, वैकुंठ में लक्ष्मी और स्वर्ग में लक्ष्मी, द्वारका में लक्ष्मी, वैकुंठ में लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी तो धरी है, हैं लक्ष्मी। लेकिन विशेष करके हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तीन लक्ष्मी को बताते हैं, कहते एक लक्ष्मी है वैकुंठ में, दूसरे लक्ष्मी है अयोध्या में, और जो तीसरे लक्ष्मी है वृंदावन में, हैं वृंदावन में लक्ष्मी है। इसलिए वैकुंठ में कितने सारे लक्ष्मी, नारायण का सारे पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी जितने मत्स्य कुर्मा भराह नृसिंह इनका पत्नी सब लक्ष्मी है, सब लक्ष्मी। लेकिन और जब दूसरे लक्ष्मी कहाँ पर है, बोले द्वारका में, और जो द्वारका में मथुरा में कृष्ण जब शादी हुई 16108 पटरानियों से शादी हुई, वो भी सबके सब लक्ष्मी है, हैं। कहते तीसरा जो लक्ष्मी कहाँ पर है, कहते श्री वृंदावन में जब गोपियां, ये सबके सब लक्ष्मी। लेकिन ये जितने लक्ष्मियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी कौन है, ये सारे लक्ष्मी कहाँ से प्रकट होती है, बोले सबके सब राधा अवतार सबे आमनायवाणी, सबके सब श्री उमा रमा सत्या सची सबके सब श्री राधा रानी से प्रकट होती है। इसलिए सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सन मोहिनी परा, इसलिए कहते हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता है। जितने देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवियों में जो देवी है श्री राधा रानी। बोलो राधा रानी की। बोले सर्व लक्ष्मी मई, कहते सर्व कांति, कांति मतलब होता है इच्छा। बोले कृष्ण के जितने सारे इच्छाओं को
कौन पूरी करती हैं? बोले श्री राधा रानी। क्योंकि कृष्ण के मन में क्या इच्छा होता है ना, जैसे आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ, अब जैसे सजोगे ना, देखना शीशा में भी ठीक वैसे तुम्हारी परछाई पड़ जाती है। बुझते बात सुनने में आए रहा? हाँ, तुम्हारा पंडित अच्छा बुझ में रहा सब। ऐसे शीशा के सामने खड़े हो जाओ, अब जैसे श्रृंगार करोगे ना, देखना तुम्हारी परछाई वैसे अपने आप परछाई वैसे पड़ जाती है। तो उसी तरह अभी कृष्ण क्या सोचते हैं, उसका सारी इच्छा राधा रानी के अंदर में अपने आप प्रकाशित हो जाती है। राधा रानी अपने आप समझ जाती है कृष्ण ये चाह रहे हैं, कृष्ण की ये इच्छा है, कृष्ण ये करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण ही अभिन्न रूप में श्री राधा रानी रूप में प्रकाशित हो गया। बोले क्यों? बोले कृष्ण की सारे सेवा करने के लिए अभी कृष्ण कैसे खुश हो तो कृष्ण को पता है ना, और किसको पता है? कृष्ण को तो अभी कृष्ण को तो पता है कृष्ण को क्या बढ़िया लगता है। इसलिए कृष्ण ही राधा रानी रूप में प्रकट हुई। बोले क्यों? बोले कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण राधा रानी रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए कहते जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण बसो, जे राधा वही कृष्ण, जे कृष्ण वही राधा। केवल दुई रूपे प्रकाशित हो जने निजर सेवा के शिक्षा देवार जने जे कम मायरा अच्छे एखन तुम्हारे जो पति की भालो आसे तुम्हें तो जानो ना, तार सेवा सारा दिन तुम्ही करो कि ना, एखन पति एखन लबण खेते भालोबासे ना, मिष्टी बेसी खेते भालोबासे ना, चानाचुर खेते भालोबासे ना, काठाल ना आम, के जाने? स्त्रीरा जाने ना, स्त्रीरा जे रकम जाने आर ए रकम केउ की जाने, बुझते पारछेन तो? हाँ, ए जने गोविंद एखन की करे भालो लागे की, एखन तो राधा रानी तो जाने, आर के जानबे? हैं, ए जने कहते जो अभी कृष्ण अभी क्या उनको खुश होंगे क्या खाने से, बोले राधा रानी ही इनको पता है, हैं? राधा रानी ही ये चीज को जानती हैं। इसलिए कहते राधा रानी कौन है? बोले कृष्ण के सारी इच्छाओं को पूरी करना अगर कोई पूरी कर सकते हैं कौन? बोले श्री राधा रानी। इसलिए राधा रानी रसोई बनाती है कहाँ पर? नंद भवन में रसोई बनाती है। लेकिन राधा रानी ना सब चीज तो सखियों को द्वारा बनवाती हैं, लेकिन एक जो मनोहर के लड्डू है ना, ये राधा रानी ही बनाती है। और जब तक खाने जो बंगाली लोग हैं ना, खाने के बाद में मीठा खाते हैं, मीठा पहले नहीं खा लेते हैं। जैसे हिंदी भाषी में देखे ना, मीठा पहले खा ले कुछ भी नहीं, बंगाली लोग उनका पहले सूखता पहले कड़ुआ तीता खाएंगे, कड़ुआ खाएंगे, उसके बाद में फिर हैं दाल चावल जो खाते हैं, लास्ट में दही, उसको बाद में जाकर रसगुल्ला, लास्ट में मिठाई खाएंगे, हैं? मिठाई खाएंगे रसगुल्ला में। इसलिए कृष्ण एकदम, क्योंकि पहले अगर मीठा खा लो ना मुंह बंद हो जाता है, हैं? इसलिए लास्ट में मीठा खाते हैं, और लास्ट में मीठा खाओ तो सब चीज हजम हो जाती है। इसलिए राधा रानी एक लड्डू बनाती है जिसका नाम मनोहर लड्डू। जब तक कृष्ण वो लड्डू नहीं खाएगा ना, उसका पेट नहीं भरेगा, है नहीं? इसलिए कीर्तन है, छले वले लड्डू खाए श्रीबद्ध बंगाल, और बगल बजाए यार दे हरिबल, हैं? इसलिए जो लड्डू हैं, लड्डू सबसे बढ़िया लड्डू राधा रानी बनाती हैं। इसलिए सर्व कांति, कांति मतलब होता है इच्छा, कृष्ण के सारी इच्छा को अगर कोई पूरी करने वाले कौन है? श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की सर्व कांति सन्मोहिनी परा। सन्मोहिनी मतलब विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण मोहित करते हैं, लेकिन अगर कृष्ण को अगर कोई मोहित करने वाले तो कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए जो राधा कुंड में हम लोग गए थे ना, वो राधा कुंड नहीं, वो राधा रानी स्वयं ही है। इसलिए अब देखना राधा कुंड को देखना एकदम सीधा चौकोना, लेकिन कृष्ण कुंड को देखो, कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े है ना, अब देखना वो कुंड भी तीन जगह से टेढ़े हैं। इसलिए हिंदी में एक भजन गाते हैं, बोले तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरो टेढ़ो जमुना तेरो टेढ़ी, गोकुल तेरो टेढ़ो जमुना तेरो टेढ़ी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी जसोदा डोकरिया,
ओ टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, ओ टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। इसलिए कृष्ण का ना सब कुछ टेढ़ा है। वृंदावन देखो, वो भी गई कि नहीं वृंदावन, सब गली टेढ़ी मेढ़ी है, वो भी खुद तीन जगह में टेढ़े हैं, उनका लकुट भी टेढ़ी है, मैया भी टेढ़ी, यमुना भी देखना टेढ़ी टेढ़ी, सब वो टेढ़ी टांग वाले हैं। बोले से टेढ़े टांग वाले की, इसलिए उनका सब कुछ टेढ़े हैं, इसलिए सब कुछ बांका। कृष्ण सब कुछ बोलो बांका है, वो देखने भी बांका, बोले वो बांका, चले वो बांका, सब और बांका। हाँ बांका ठाकुर, इसलिए कहते हैं उनका सब कुछ उनकी बांका ही बांका है। इसलिए कहते विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण मोहित करते हैं, लेकिन अगर कोई कृष्ण को अगर मोहित करे तो कौन? श्री राधा रानी। इसलिए कहते जो राधा कुंड के में स्थान, स्थान मतलब राधा कुंड श्याम कुंड, ये क्या है? राधा कृष्ण। और कहते जो गिरिराज गोवर्धन है ना, ये कृष्ण स्वरूप है। और उनका जो मुखारविंद है, ये जो मानसी गंगा गए थे, ये इनका मुखारविंद, इनका मुंह है। और जो पुछरी गए थे वो उनका पूछ है, वो उनकी पूछ है। लेकिन ये राधा कुंड श्याम कुंड क्या है? इनके दो आंखें हैं। क्या है? दो आंखें हैं। क्योंकि शरीर तुम्हारे शरीर बहुत बढ़िया, लेकिन आंख से काणे हो, अंध हो, सब बेकार हो गया ना। अगर तुम्हारी आंख ही नहीं तो, इसलिए एक व्यक्ति दुखी ना सुखी हम कैसे पहचानते हैं? आंखों को देख करके पहचान जाते हैं, हैं? उनको आंख ऐसे है जिसको देखने से पता चल जाता है ये व्यक्ति दुखी ना सुखी है। इसलिए शरीर का जो सर्वतम अंग है ये आंखें हैं। इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड क्या है? इनकी आंखें हैं राधा कुंड श्याम कुंड। इसलिए बोले स्थान, उसको बाद में स्थान काल, काल मतलब होता है कृष्ण की आठ जाम लीला है। कितना जाम है? अष्ट जाम। समझते कि नहीं? ये 24 घंटा को आठ भाग में विभक्त कर दिया गया। जैसे सवेरे है, प्रदोष है, फिर दोपहर में, दोपहर है, उसको पूरा आठ भाग में विभक्त किया है, हैं? इसलिए कृष्ण राधा कुंड श्याम कुंड में कौन सा समय में लीला करते? बोले माध्यान्ह की, मध्यान्ह लीला है। और जो मध्यान्ह लीला करते हैं ना, वहां पर जो कैसे कुछ ऐसे जाम है आठ भाग में, कहीं दो घंटा, कहीं ढाई घंटा, कहीं तीन घंटा, लेकिन जो सबसे ज्यादा समय है ना, ये राधा कुंड श्याम कुंड में कृष्ण लीला करते हैं। कहते जब कृष्ण और कहीं लीला करते हैं ना, उनको सांस ननंद का नाम जटिला और कुटिला। क्या नाम है? जटिला और कुटिला। लेकिन ये जटिला कुटिला अगर कहीं अगर कृष्ण लीला करते हैं, वहां जटिला कुटिला आ सकती है, आ जाती है कभी कभी। लेकिन ये जो राधा कुंड श्याम कुंड है ना, कहते ये जोग माया के द्वारा रखित है, ये जोग माया रखा कर, जटिला कुटिला वहां से फटक नहीं सकते हैं वहां पर। उनको लीला निश्चंद रूप में अगर कोई लीला करते है ना, ये राधा कुंड श्याम कुंड में है। इसलिए बोले स्थान, बोले काल, कहते पात्र। पात्र मतलब होता है जो वहां लीला करते हैं, कौन कौन गोपियां रहती हैं। जैसे दूसरे जगह पर कहीं स्वपक्ष, कहीं विपक्ष, कहीं तटस्थ, अलग अलग गोपियां हैं। लेकिन वहां पर प्राण प्राण सखी, प्रिय नर्म सखी, जो राधा रानी की जो पक्षियां, जो गोपियां है ना, केवल ये राधा कुंड श्याम कुंड में रहते हैं और कोई नहीं। इसलिए विशेष करके वहां पर कहते पांच लीला होती हैं। कितना लीला होती हैं? क्या क्या लीला बोलो? एक है उनको झूला लीला है। राधे झूला पधारो जो कि आए बदरा, इसलिए एक झूला लीला है। और एक कौन सा लीला है? उनका कुंज लीला है। और एक लीला उनकी जल विहार। तीसरा लीला क्या है? बोले उनकी नौका विलास, जो नौका विलास लीला होता है। और वहां पर और मधुपान। ये समस्त लीला जो अत्यंत अत्यंत जो गोपनीय लीला है ना, वो सब के सब श्री राधा कुंड श्याम कुंड में ही ठाकुर जी करते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदा बिपी न सुरमी, जैसे वृंदावन में अत्यंत सुंदर वृंदावन धाम, उनकी अलग अलग लीला स्थल भी बहुत मनोरम स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन वृंदावन के जितने स्थान है, जितने जैसे उद्धव की आर भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है, प्रेम सरोवर भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और ब्रज में बहुत रासलीला भी परम श्रेष्ठ स्थान। कदी सारे जितने मधुर स्थान हैं,
उनको एकत्रित कर भी लोगे, राधा कुंड श्याम कुंड का जो महत्व है कहते उसका एक कर्ण को साथ में भी ये समस्त लीला को तुम बराबर नहीं कर सकते। इतने महिमा श्री राधा कुंड श्याम कुंड को, बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। इसलिए जिस समय अगर राधा रानी कभी मान करके बैठ जाती है, बोले मैं किसी काले चीज को देखना नहीं चाहता, काले चोटी में फूल से उसको काले कर दो, भुरु में उसमें भी ना, उसमें भी चंदन लगा दो, लेकिन वहां पर राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, राधा कुंड में तीन बार स्नान करते हैं, हाँ तीन बार स्नान करके राधा रानी का मंत्र को जप करते हैं। राधा रानी कैसे संतुष्ट हो जाए मेरे ऊपर में, कृष्ण राधा रानी के संतुष्ट करार जने कृष्ण तीन बार वही कुंडे स्नान करें और तीन राधा रानी ने मंत्र के जप करे, राधा रानी की करी खुशी होगी, राधा रानी की करी प्रसन्न होगे, हैं जने कहते अगर कभी राधा रानी मान करती है, राधा रानी कुंडे के एक तरफ में बैठी हुई, कृष्ण दूसरे तरफ में, कुंडे के दूसरे तरफ में कृष्ण बैठे हुए, अगर हवा की झोंक आ करके अगर राधा रानी की कपड़े को स्पर्श करते हुए अगर वो हवा बहते बहते अगर कृष्ण को शरीर में लग जाए ना, कृष्ण सोचते हैं मेरे जीवन धन्य हो गया है। क्यों? राधा रानी की आंचल का जो कपड़े के जो हवा आकर के मेरे शरीर को स्पर्श कर लिया, कृष्ण अपना जीवन को धन्य धन्य मानते हैं, हैं? इसलिए राधा कुंड में इतने महिमा, कभी वृंदा देवी वहां से आई, इतने में राधा रानी पूछा वृंदे कस्मात वृंदे प्रिय सखी, वृंदे तुम्हें कहां से आ रही है, बोले राधा कुंड से, बोले वहां पर क्या तुमने कुछ देखा, बोले हाँ कृष्ण नृत्य कर शिक्षा कर रहे थे, क्या कर रहे थे नृत्य शिक्षा कृष्ण, बोले कह गुरु, बोले गुरु कौन है, बोले गुरु जितने राधा कुंड के जितने लता पता को अपना गुरु बनाया, क्योंकि वृंदावन में कहते ना जितने लता पता भी राधा कुंड में ये सब के सब राधा जी की भाव में ये विभावित है, वहां लता पता भी साधारण नहीं, सबके सब राधा रानी की भाव में विभावित, उनको अपना गुरु मान करके वहां से नृत्य विद्या सीख रहे थे, हैं? इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड वहीं पर राधा कृष्ण हैं, वहीं पर रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड श्याम कुंड को बीच में बैठी करके जब राधा रानी की भजन करते थे, राधा रानी स्वयं अपना कपड़े से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सर के ऊपर कपड़े रख करके उनको छाया करती थी राधा रानी। सनातन गोस्वामी देखा राधा रानी उनके सर के ऊपर में कपड़े से छाया करके बैठे राधा रानी खड़ी हुई, उसको पास में शेर को उनका पानी पीते हुए देखा, कौन सनातन गोस्वामी, बोले तुम राधा रानी को क्यों कष्ट देती हो, बोले क्या देता हूँ, बोले मैंने देखा तेरे सर के ऊपर में राधा रानी कपड़े खड़े करे कपड़े से छाया करते हुए खड़ी थी, हैं? ऐसे राधा कुंड में जितने हमारे गोस्वामी लोग हुए सबके सब श्री राधा कुंड में निवास प्रार्थना किए, हमारी जो निवास श्री राधा कुंड में ही हो, बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। मायरा सब बुझते बैठे तो हाँ तुम्हारा बुझे ना कर सब सुनो, ओखाने जब रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते हैं ना, राधा रानी तिनी वही खूब रौद्र मध्य तिनी भजन करते हैं, राधा रानी निजे से उनार माथा रोबर कापड़ रेखे छाया करे पिछने दाड़िए थकते, एक दिन सनातन गोस्वामी देखते पिए छे राधा रानी पिछने तक माथार ऊपर कापड़ रेखे दाड़ी आछे, तब सनातन गोस्वामी बोले रघुनाथ तुम्हें राधा रानी के केन कष्ट दीछो, बोले की कष्ट दिलाम, बोले तुम जखन ओई रौद्र मध्य बसे भजन करछिले आमी देखलाम राधा रानी तुम्हारे माथार ऊपर कापड़ रेखे छाया करी दाड़ी छे, आज देखलाम तुम्हारे काछे दुटो बाघ ऐसे जल खाछिलो, कखन बाघ तुम्हारे खिए फेलबे राधा रानी के तो कष्ट दीछे केन, बोले तो आमी तो किछु जानी ना, बोले ठीक आछे तुम्हारे जने पाता दिए एकटा आमी कुटिया बनाई दीछी ओई कुटीर मध्य बसे भजन कर, बुझते पारछेन तो, एजने राधा कुंड श्याम कुंड कुंड नहीं बोले साक्षात राधा कृष्ण तारा ओ कुंड रूपे से खाने प्रकट हो आज के गए तो सबाई स्नान ध्यान करान करो कि ना एत टका पैसा खर्चा कर माथा पानी जल दिए कि माथा ताते हो गए ठीक अच्छे एजने हाँ ठीक अच्छे भलो हो बहु भाग्य वृंदावन आशा है, बुझते तो
साधारण भाग्य क्यों वृंदावन आसते पारे ना जदि मन करते जदि मन करे আমাদের কাছে টাকা পয়সা ছিল না এই জন্য তো আমরা বৃন্দাবনে আসতে পেরেছি বলে না টাকা পয়সা বৃন্দাবনে নিয়ে আসতে পারে না বুঝতে পারছেন তো আগে কই সোশ্যাল রুপিয়া পয়সা সে আগে রুপিয়া পয়সা নেই লা সকতে কিতনে কর অরবপতি পড়ে হুয়ে হ্যাঁ ও কিউ নেই আ সকে তুম কিউ আয়ে কত কোটিপতি বসে আছে তোমাদের গ্রামে ওরা কি আসতে পেরেছে ওরা কেন আসতে পারলো না তোমরা কি করে এলে তোমাদের উপর রাধা রানীর কৃপা হয়েছে কি হয়েছে আর জোরে হলু ধ্বনি দাও আর আপনাদেরকে কে নিয়ে এসছে কে নিয়ে এসছে আপনাদের সঙ্গে কে নিয়ে এসছে প্রভু কি নাম প্রভু হ্যাঁ সহদেব প্রভু হ্যাঁ সহদেব প্রভু বলে সহদেব প্রভু কি হ্যাঁ ইনি কৃপা করে তোমাদেরকে এখানে নিয়ে এসছে এই জন্য আপনারা সবাই এনারা কাছে ঋণী হ্যাঁ উনি তোমাদের বৃন্দাবন ধাম দেখিয়েছে হ্যাঁ কেউ সিনেমা নিয়ে যায় কেউ থিয়েটারে নিয়ে যায় কেউ ঘুরাতে নিয়ে যায় কিন্তু ইনি কোথায় নিয়ে এসছেন রাধা রানীর কাছে গোবিন্দ রাধা রানীর চরণে তিনি তোমাদেরকে নিয়ে এসছে এই জন্য তোমাদের কোটি কোটি জন্মের ভাগ্যেতে তোমরা বৃন্দাবনে ধামে আসতে পেরেছ সাধারণ ভাগ্যেতে এখানে কেউ আসতে পারে না বুঝতে পারছেন তো বহু ভাগ্যে এসছে এই জন্য চেষ্টা করবেন প্রত্যেক বর্ষ আসতে প্রত্যেক বর্ষ আসতে চেষ্টা করবেন বৃন্দাবন ধামে ঠিক আছে আসবেন তো টাকা পয়সা কোথায় পাবে আর ঠিক আছে রাধা রানীর কৃপা থাকলে সব হয়ে যায় এ মেয়ে বিয়ে দিতে গেলে লাখ লাখ টাকা খরচা হয়ে যায় তখনও খরচা করবো কিন্তু ধামে আসবো না হ্যাঁ বুঝতে পারছেন তো হ্যাঁ এই জন্য ধামে আসবেন হ্যাঁ ইসলিয়ে সাধারণ ভাগ্যে সে কই ইয়ে ব্রজমন্ডল পরিক্রমা কই নেই কর সকতে হ্যাঁ করোড় জন্ম কা পুণ্য মে কই ভাগ কথা ই কর সকতে হ্যাঁ আমি তোমাদের জন্য আমি আলাদা ডেক প্রভুকে বলেছিলাম তো ডেকে নিয়ে আসবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো আমি একটু পরে কথা বলবো ইনি একটু কথা শুনিয়ে দিবে আমাদের প্রভু এর পরে তোমাদের সঙ্গে আমি কথা বলবো আমার প্রভুজি থোড়ি সাহেব কথা শুনে খড়ে হয়ে যাও ওম অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া চক্ষুরুন্মীলিতম যেন তস্মৈ শিবগুরবে নমঃ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিব শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ সবাই একবার হাত রাখি বলে সবাই একবার হাত উঠাকে বলে বলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে সবসে পেলে গুরুপাদ পদ্ম ওম বিষ্ণুপাদ অষ্টোদহত শিষ্মন ভক্তিবিধান শ্রীধর গোস্বামী গুরু মহারাজ চরণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম করকে উনকা হেতু কৃপা বাঞ্ছা করতা হুঁ তৎপশ্চাৎ পরম গুরুদেব বর্গ সোবার সে সপরিকর গৌর নিত্যানন্দ প্রভু আজ জিনকা শুভ বিরহ তিথি হে শ্রী বাসুদেব ঘোষ উনকে চরণ মে শ্রী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম সমস্ত ব্রজবাসী বৃন্দ ভক্তবৃন্দ কথা শ্রবণ কারী সমস্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সমস্ত চরণ মে অধমকা যথাযোগ্য দণ্ড প্রণাম স্বীকার হো গুরু বৈষ্ণব কে আনুগত্য মে হম শ্রীধাম ব্রজমন্ডল পরিক্রমা কর রে হ্যাঁ और आज परिक्रमा करते करते हम विशेष विशेष स्थान पे गए उद्धव कियारी उद्धव कुंड और राधा कुंड श्याम कुंड और राधा कुंड श्याम कुंड में हमारे बहुत सारे गुरु वैष्णव सारे रूपानुगा आचार्य वर्ग वहां पे बैठ के राधा कुंड के भजन किए तो बता रहे हैं वृंदावन धाम क्या है वृंदावन धाम चिंतामणि प्रकर सर्व सुख कर्म सर्व चिंतामणि स्वरूप है वृंदावन के एक एक धूल ये चिंतामणि स्वरूप है और यहाँ पे लक्ष्मी सहस्र सदसेव्य मानस स्मरा में हजार हजार लक्ष्मी यहाँ पे क्या करते हैं झाड़ू लगाते हैं लेकिन हमें तो ऐसा प्रतीत होता नहीं हमें दिखता नहीं
वृंदावन के एक एक धूली, एक एक रेणु, एक एक गुल्म, लता पता जो भी है वो भी बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भी उस धूली के लिए स्तुति करते हैं, उद्धव जी भी उसी धूली के लिए स्तुति करते हैं, उसी वृक्ष के लिए स्तुति करते हैं। असाम चरण रेणु जुसाम हसाम वृंदावने किमपि गुल्म लतोष धीना या दुश्चर्य आजम प्रथम च हित्वा भेजो मुकुंद पदवी गति भीर भी मृग्याम। उद्धव जी भी स्तुति कर रहे हैं कि मुझे वृंदावन के उसी गुल्म लता बना दीजिए। तो इसी प्रकार ये वृंदावन इस अप्राकृत धाम हमें तो इस प्रकार दिखाई देते ही नहीं, हमें दिखाई देता है दिखाई नहीं देता है। तो श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर एक बात बोलते हैं कि हमें इस प्रकार दिव्य अप्राकृत धाम क्यों नहीं दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं कि माया जाल कृपा करे, माया जाल उठावे जखन तखन दर्शन करवे सुविशाल चिन्मय भवन। हमारे सामने एक माया रूपी जाल आबद्ध हुआ है, तो बता रहे हैं कि कृपा करके ये जो माया देवी इस माया रूपी जाल को हमारे आंखों के सामने जब उठा देंगे, आंखें देखे सुविशाल चिन्मय भवन, तब उसी समय हमारे आंख जब खुल जाएगा, दिव्य चक्षु मिलेगा, दिव्य चक्षु से क्या होगा ये दर्शन कर सकते हैं। अब इसमें भी प्रश्न है, क्या प्रश्न कि इसमें बता रहे योग माया देवी कौन है, ये कृष्ण के ही शक्ति है, बिना कृष्ण को प्रसन्न किए योग माया देवी प्रसन्न भी नहीं होंगे। तो इससे भी और क्या सरल उपाय है, तसला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर इससे भी सरल उपाय बता रहे हैं कि धाम वासी मोरे प्रणति करिया मागी व कृपा लेस। हम एक एक स्थान पे जाते हैं धाम में, हम एक एक स्थान पे जाते हैं, एक एक स्थान पे जाके उनको हमको वहां पे क्या प्रार्थना करना चाहिए, बता रहे हैं कि धाम वासी मोरे प्रणति करिया मागी व कृपा लेस, केवल कृपा का एकमात्र लेस उनको प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण देते हुए बता रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाल, जिस प्रकार राधा कुंड में बैठ करके राधा कुंड का पूरा जो महिमा को अपने हृदय में आलिंगन करके, किस प्रकार राधा कुंड में रह करके स्वयं राधा रानी उनको दर्शन दिया, जिस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे सारे गुरुवर्ग उसी राधा कुंड के आश्रय लिए, उन्हीं गुरुवर्ग के आश्रय बिना हम राधा कुंड को कैसे दर्शन कर सकते, उन्हें गुरुवर्ग के आश्रय बिना हम गिरिराज में बस जैसे हम अपने सड़कों में घूमते हैं ना, उसी प्रकार हम गलियों में घूमते ही रह जाएंगे। उन्हें बिना गुरुवर्ग के कृपा के बिना हम कभी अप्राकृत धाम ये चिन्मय भवन को हम कभी देख नहीं सकते। उन्हीं गुरुवर्ग हमें क्या करेंगे, कृपा करके अगर हमारे आंखों में अगर उस माया को हटाने के लिए केवल एकमात्र साध्य को, मतलब एकमात्र ही केवल जो दिखा सकते हैं केवल वही श्री गुरुपाद पद्म ही है। तो बता रहे हैं कि उनके चरणों में हम एक एक स्थान पे जाएंगे, एक एक स्थान पर जाके जो जो लीला कथा को श्रवण करेंगे, और लीला कथा को श्रवण करने के बाद बता रहे हैं हम इतने पैसा खर्च करके ब्रज में आए और वृंदावन धाम का भी परिक्रमा कर रहे हैं, साधारण भाग्य से तो नहीं आए, और बता रहे हैं कि बिना पैसा से आए नहीं, सब कुछ ना कुछ पैसे खर्च करके ही धाम में आए हो, तो बोल रहे हैं इसका मूल्य क्या है, इसका क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा हमें। तो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण रति भाविताम क्रियताम यदि लभ्यते कुतोपि, कुतोपि यदि लभ्यते तत्रम मूल्यम एकम, कि उसके जो केवल मूल क्या है कि श्री कृष्ण रति मति भाविता, कृष्ण के बहुत सारे ऐश्वर्य लीला है, बोले वो सब नहीं, कृष्ण के जो मधुर मधुर लीला है उसको दर्शन करने की केवल लोभ मात्र इच्छा हृदय में आ जाए। तो बता रहे हैं श्री गुरुदेव बोलते हैं कि इसका केवल लोभ मात्र, इसका केवल हमें, हम जिस जिस स्थान पे जाते हैं, अभी कितने सारे स्थान पे गए, उसी स्थान पे कृष्ण ऐसे लीला करते हैं, इस स्थान पे कृष्ण ऐसे लीला करते हैं, ये लीला को श्रवण करते करते जब हृदय में एक लोभ उत्पन्न हो जाए कि कभी हमें गुरुपाद पद्म की कृपा से, श्री रूप गोस्वामी की कृपा से अगर उसको थोड़ा बहुत हमारे झलक आ जाए, जिस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के ऊपर कृपा कर दिया और जीव गोस्वामी को जैसे ही शिवा संगम ले गए तो साक्षात जीव गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु कौन है, साक्षात गुरु तत्व है, और उनके कृपा से साक्षात जीव गोस्वामी पाद वो सारी लीला को देख रहे हैं। अध्यापी से लीला करे गौर राय कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए, श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि अध्यापी से लीला करे कृष्ण राय, अभी भी वही लीला कृष्ण इस जगत में करते हैं, इस वृंदावन अप्राकृत धाम में करते हैं, लेकिन कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए, ऐसा कौन कौन व्यक्ति है जो उनको देख सकते हैं। तो बता रहे हैं जिनको गुरुवर्ग के ऊपर, गुरुवर्ग के ऊपर पूर्ण शरणागति है, जिनको गुरुपाद पद्म के ऊपर पूर्ण आश्रय ले चुके हैं और जिनके ऊपर गुरुदेव कृपा करके उस माया जाल को उठा दिया, तो वही देख सकते हैं।
उनके सिवा और कोई भी इस भाव को देख नहीं सकता। और बाकी रहा ब्रज में वास, हम लोग यहाँ आए हैं ब्रज में वास करने के लिए। ब्रज में वास करना भी साधारण बात नहीं है, ब्रज में तो बहुत सारे लोग वास करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कितने कितने लोग व्यापारी भी वास करते हैं, वो ब्रजवास ब्रजवास नहीं है। पंडे लोग मंदिर में जाते हैं, 1000, 2000, 10000, 11000 कितने भी हो जाए उनके लिए उतना अच्छा है, तो वो भी ब्रजवास नहीं है। तो बता रहे ब्रजवास क्या है, तो बोल रहे गुरुपाद पद्म ब्रज के भावों के साथ वास करना ही ब्रजवास है। ब्रज के भाव के साथ वास्तव रूप में शरीर से नहीं, वास्तव रूप में शरीर से नहीं वास करना है, ब्रज के भाव में डूबे हुए वास करना। किस प्रकार उस मधुर लीला में वास किया करते थे हमारे गुरुवर्ग, उसके भाव में लेके वास करना ही ब्रजवास है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु बोलते हैं शुद्ध ब्रजवासी। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी कभी ब्रज में आए नहीं, लेकिन श्रीमन महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ये शुद्ध ब्रजवासी है। क्यों बोल रहे हैं, किसी हर समय श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये ललिता सखी ये हर समय ब्रज के भाव में डूबे रहते हैं और स्वयं आस्वादन करते हैं और श्रीमन महाप्रभु को आस्वादन करवाते हैं, इसलिए उनको बोला गया कि ये ब्रजवासी हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ये कभी नवद्वीप में गए नहीं, लेकिन इनके लिए बोला जाता है कि ये नवद्वीप एक शतकम लिख दिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद। तो बता रहे हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक जगह पे बोल रहे हैं कि मुझे अन्य जितने भी तीर्थकों में जो दूर से प्रणाम, लेकिन हे श्रीमन महाप्रभु आप मुझे कृपा करके ये नवद्वीप धाम और उसमें भी जो गोद्रुम धाम है वो गोद्रुम से मैं एक पग भी बाहर नहीं निकलूं। तो बोले ये वास्तविक ब्रजवास है। तो ब्रजवास का जो उद्देश्य वो केवल ब्रज में आके खा पी के घूमना, ये ब्रजवास का उद्देश्य नहीं है। गुरुवर्ग के अनुगत्य में उन स्थानों को दर्शन करना और उनका लीलाओं को श्रवण करना और उस भाव में वास करना ही वास्तव में ब्रजवास है। श्रील गुरुदेव किस प्रकार ब्रजवासी थे, एक समय श्रील गुरुदेव फिजी में थे, तो वहां पे फिजी में जाते जाते एक द्वीप है तो उसी समंदर में घूमने चले गए, रमण द्वीप है तो वहां पे चले गए घूमने के लिए। तो जैसे ही घूमने के लिए चले गए श्रील गुरुदेव, तो बहुत सारे लोग बोले कि नारायण महाराज समंदर में घूमने जा रहे हैं, बोटिंग करने जा रहे हैं। तो गुरुदेव के पास जैसे ही प्रश्न पूछे कि आप समंदर में घूमने गए थे, तो गुरुदेव बोलते हैं किसने बोला मैं समंदर में घूम रहा था, मैं तो रमणीक द्वीप में गया था, मैं तो देखने गया था वहां कालिय को वंशज रहते हैं। तो जड़ बुद्धि जिसका जितना जड़ बुद्धि है उतना उसका प्रश्न भी उसी प्रकार का ही होगा। किसी समय गुरुदेव क्या करते थे, रोज क्या करते हैं समंदर में मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, तो किसने बोलते गुरुदेव आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे, तो गुरुदेव बोलते हैं किसने बोला मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ, मैं तो नित्य गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं तो नित्य राधा कुंड श्याम कुंड का परिक्रमा कर रहा हूँ, किसने बोला। तो मन से कहीं दूर है समंदर के किनारे, लेकिन उनका जो कहीं शरीर से दूर है, लेकिन पूर्ण का पूर्ण क्या किस चीज से आस्वादन कर रहे हैं, ब्रज के उस भाव में, ब्रज के उस रस में पूर्ण का पूर्ण मन गुरुदेव का राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन गोवर्धन में ही है। इसको बोलते हैं वास्तविक ब्रजवास। किसी ने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव मैं वृंदावन में एक प्लेट खरीद लो, एक जगह खरीद लो, तो गुरुदेव बोलते हैं वृंदावन में जगह खरीदोगे, हाथ को ऐसे ऊपर उठा के बोलते हैं वृंदावन में जगह खरीदोगे, जहाँ के लिए ब्रह्मा शिव जी स्तुति करते हैं तुम वृंदा। किस भाव में हर समय गुरुदेव वो ब्रज के रस में, ब्रज के उसी भाव में हर समय डूबे रहते हैं। तो आज मैं इसी प्रसंग में मैं थोड़ा बोल देता हूँ, वास्तविक जो ब्रजवासी है, वास्तविक जो ब्रजवासी है उसको उन्होंने सी जितने भी ब्रज के भाव में रस में डूबे हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ भाव में ब्रज के रस में डूबे हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आज परिक्रमा करते करते राधा कुंड में उनके भजन कुटीर पे गए। ये रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का क्या महिमा है, तो श्रील गुरु परम गुरु पाद परम श्री नारायण गोस्वामी महाराज एक बात को बोलते हैं, इतना विरह है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को, इतना विरह है कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हर समय बस राधा कुंड में बैठ के भजन करते करते केवल रोते थे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम लोग तो केवल क्या करते हैं, इधर उधर के बात करते करते हमको फुर्सत नहीं, हमको हंसने में फुर्सत नहीं। तो बताओ रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कितने बार अपने जीवन में हंसे, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कितने बार अपने जीवन में हंसे। रात्रि दिन कांदे गोसाई तनु मुख्यान मने, हर समय उनका जो रात्रि दिन में केवल रघुनाथ दास गोसाई केवल रोए जा रहे हैं इसी प्रकार का विरह में रोए जा रहे हैं। बोलने कभी हंसे नहीं, तो बोलने एक बार हंसे, बोले कब हंसे,
तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने दो ग्रंथ लिखा, विदग्ध माधव ललित माधव। तो ललित माधव ग्रंथ ने श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर सुंदर मथुरा के भाव और द्वारिका आदि के लीला सब रचना कर दिया, और विदग्ध भाव माधव में ब्रज की महिमा को रचना किया श्री रूप गोस्वामी पाद ने। अब श्री रूप गोस्वामी पाद ने जैसे ही ये रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को विदग्ध माधव ग्रंथ देते हैं, तब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक एक ब्रज के भाव को, एक एक उसी ब्रज के लीला को स्मरण करते करते रोते जा रहे हैं, और इतना मात्रा में रो रहे हैं कि उनके पूरा प्राण मतलब क्षीण हो रहा है, तनु मन उनको पूरा क्षीण हो रहा है, इतना रो रहे हैं विरह में। तो रूप गोस्वामी पाद ने देखा कि ये तो ऐसे तो प्राण त्याग कर देंगे, तो इनके ग्रंथ लेना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, भाई ग्रंथ दे दो मुझे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद तो ऐसे ग्रंथ देंगे नहीं, तो बोलते हैं संशोधन करना है, ग्रंथ दे दो मुझे, इसमें कुछ संशोधन रह गया है, ग्रंथ दे दो। अब फिर भी दिए नहीं रूप गोस्वामी पाद, इतने मांगने पर भी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वो ग्रंथ देते नहीं। बोलते मैं हृदय से आलिंगन करके रखते हैं और थोड़ा पढ़ लेता हूँ, और थोड़ा पढ़ लेता हूँ, और इतना पढ़ के एक एक रस को, एक एक भाव को पढ़ पढ़ के इतना रो रहे हैं। तब उसी समय से रूप गोस्वामी पाद ने और एक ग्रंथ लिख दिया, दान के लिए कौमुदी, झटपट करके एक ग्रंथ लिख दिया और बोल दिया ले इसको पढ़ो। तो दान के लिए कौमुदी जैसे ही लिख दिया, तो उसी ग्रंथ में जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ में पकड़ाते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, तो बोलते हैं कि उसी ग्रंथ को पढ़ो और ये ग्रंथ दे दो। फिर भी देने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे। तो दान के लिए कौमुदी को जैसे ही खोला और एक बार बस एक लीला को वहां पढ़े, राधा कृष्ण के कलह लीला हो रहा है, किस प्रकार राधा कृष्ण के जो लीला हो रहा है, सखीगण सखावन उसको आस्वादन करके हंस रहे हैं, एक लीला को पढ़े और खिलखिला करके हंस दिए। और उसी समय ही से रूप गोस्वामी ने उनसे वो विदग्ध माधव ग्रंथ को छीन के ले लिया। बोलने में एक लीला वो दान के लिए कुमुदी का, एक लीला को पढ़े, क्या है वो लीला, थोड़ा सट में अगर श्रवण करेंगे तो बहुत बड़े विस्तृत व्याख्या है, बता रहे हैं कि एक लीला को श्रवण करे तो क्या ना, किसी समय राधा रानी का राज्य अभिषेक हुआ, किसी समय राधा रानी का राज्य अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक के लिए इंद्र के जितने भी सची, इंद्र के पत्नी आदि सब लोग और अप्सरी आदि सब लोग अपने सर पे ढो ढो करके कुंड में क्या किए, कुंड से जल भर भर करके लेके आए और सर पे ढो ढो करके कहीं कोई दूध, कहीं दही, कहीं मक्खन, कोई मिश्री और बुरा शहद, ये सब के सब लेके आ रहे हैं राधा रानी के अभिषेक करने के लिए, और दिव्य मणिमय विमान मुकुट विमान में राधा रानी को पूरा प्रोसेशन करवाया गया ब्रज में, और उसके बाद दिव्य एक रत्न में सिंहासन जड़ित एक सिंहासन में राधा रानी को बिठा करके अभिषेक किया गया, ललिता विशाखा आदि सखी बड़े सुंदर चामर ढुला रहे हैं, और उसी समय जितने भी सखीगण है वो बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन आदि कर रहे हैं, उसी समय राधा रानी का राज्य अभिषेक हुआ। अब बताओ वृंदावन में कृष्ण को कोई राजा बोलता है, बोलते हैं क्या, कोई नहीं, क्या बोलते हैं, राधे राधे रानी, हर समय सब सबके सब क्या बोलते हैं, राधा रानी। तो बोलते हैं कृष्ण को ये ललिता विशाखा बुला करके वो पूछते हैं, ये मधुमंगल सिद्धाम सखा के साथ कृष्ण आए देखने के लिए अभिषेक। अब इतने में कृष्ण को बोलते हैं, बोलो तुम बोलते हो ना वृंदावन के तुम राजा हो, बोलो तुम्हें कोई राजा बोलता है। कृष्ण के सर तो नीचे झुक गया, भाई मुझे कोई राजा बोलता ही नहीं, हूँ मैं वृंदावन के ब्रजेंद्र नंदन, मैं ब्रज के राजा हूँ, फिर भी मुझे कोई राजा नहीं बोलता। अब ललिता विशाखा बोलते हैं, देखो हमारे राधा रानी का किस प्रकार अभिषेक हुआ, इतने सुंदर सुंदर उपमा दे रहे हैं वहां पे, एक एक करके उस भाव को बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके राधा रानी को कैसे सिंहासन पे बिठाया गया, इस प्रकार राधा रानी का जो छटा है अभिषेक के समय एक दृश्य, अभिषेक के फिर वस्त्र पहनाना और उसके बाद श्रृंगार करना, बनमाल पुष्प आदि देना और बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन करना, ये सारे के सारे भाव को बता दिया। अब इतने में कृष्ण मधुमंगल आदि और वहां पे बिठा करके कृष्ण को परिक्रमा करवा रहे हैं। अच्छा अब बताओ सिंहासन कैसा था। अब ये सखी बोले, अच्छा सिंहासन था इमली के पत्ते के ऊपर बना हुआ, उसके ऊपर कृष्ण को बिठा दिया गया इमली के पत्ते के ऊपर सिंहासन। अच्छा तो बताओ स्वर्ग से जैसे हमारे राधा रानी के लिए कुंड में लेके आए जल और अभिषेक किए, ये कृष्ण को कौन अभिषेक किया। तो ये तुंग विद्या सखी बोल रहे हैं, जो ब्रज में रहते हैं ना, जो कोई कोई भांग खाने वाले,
कोई के ब्रज में भांग खाने वाले वो कभी की मक्खन के लिए कृष्ण को राजा घोषित कर देते हैं, राजा बोल देते हैं, इसने में कृष्ण सोचता है मैं राजा हूं ब्रज का, तो बोलते हैं कि ओ लोग जैसे ही भांग खाते हैं ना, भांग खाने के बाद उनके कोई दिमाग में कुछ नहीं आता, तो बोलते हैं कि जैसे उनको दिखा एक जगह पे कीचड़ था, उसी कीचड़ क्या है जो टोटेज क्या बोलते हैं उसको, कछुआ, कछुआ के पीठ के ऊपर जो लोहे होता है ना उससे चामर बना था। तो एक एक करके ऐसे ऐसे उपमा दे के कृष्ण को लज्जित कर देते हैं, वहां पे कृष्ण को लज्जित कर देते हैं और बोलते हैं गीत गान कौन करता था, सखी लोग पूछ रहे कि गीत गान कौन करता था, संगीत कौन करता था।